जय हो जय माता, 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 जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता, वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता,
हमारे उनके अंदर में, ये उनके सम्मान में, उनके भक्ति में ये जलसा शुरू करने जा रहे हैं। हम हमारे उनकी स्तुति करें, उन्हें धन्यवाद दें अपने पाए हुए सभी वरदानों के लिए, और साथ ही साथ प्रार्थना करें कि नदी जलपूर्वक प्रार्थना मैडम से श्रद्धापूर्वक इस जुलूस में भाग लें, ताकि माँ के आंचल में ही हम बने रहें। कभी कभी माँ हमें अपनी शत्रुता में रखेगी, हमें संभालेगी, हमारा स्वागत देगी। आइए माँ के जब से गुजर करने के पहले माँ के मध्यस्थता के द्वारा ये प्रार्थना करें। एक तूने धन्य कुमारी मरियम को यात्री कलीसिया के लिए भावी महिमा का प्रतिरूप बनाया है, यह कृपा कर कि तेरे विश्वासी भक्त जिन्होंने संत मरियम की यह प्रतिमा निर्मित की है, भरोसे के साथ उनकी ओर अपने आंखें उठाए, जो निर्वाचितों की समस्त प्रजा के लिए ज्वलंत आदर्श है। हमारे यह निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु कृष्ण के द्वारा प्रणाम मरिया जननी है माता मरिया, हर दिन
हर पल तुझको चढ़ाते, जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। तू ही बनीश माता, हमरी भी तू है माता। आचल तुम्हारा आशीष देता सदा से, आचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आचल thank you.
सबो को जय यीशु। जय यीशु। सभी मरियम भक्तों का मैं हमारे ईशगढ़ पल्ली की ओर से एवं समस्त पल्ली परिषद की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित आदरणीय हमारे बिशप स्वामी जी के स्वागत के लिए मैं मास्टर फोर्तु मंडोरिया को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और श्रद्धेय बिशप स्वामी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। मास्टर फोर्तु मंडोरिया। कृपया तालियां बजाएं। साथ ही यहां उपस्थित झाबुआ धर्म प्रांत के प्रशासक आदरणीय फादर पीटर खराड़ी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय फादर प्रताप बारिया जो कि हमारे झाबुआ डिनर के डीन है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय फादर जेवेर कुटन का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं दूरदराज से आए सभी पल्ली से पधारे सभी फादर्स एवं सिस्टर्स का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कृपया हम इन सभी के लिए एक बार पुनः जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें। साथ ही साथ हम यहाँ जितने भी मरियम भक्त आए हैं, हम एक बार पुनः एक दूसरे के लिए तालियां बजाकर एक दूसरे का स्वागत करें। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। जापोड डायसिस के प्रशासक फादर पीटर खराड़ी, डीन जापोड के फादर प्रताप, फादर सिल्वेस्टर और फादर मुकेश, और सभी फादर और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे भक्तों, आज हम बड़े विश्वास और भक्ति के साथ में फातिमा की महारानी को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका स्वागत करने के, विशेष स्वागत करने के लिए। वैसे तो हम साल भर यहाँ आते होंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है। आप लोग अपनी मन्नतें लेकर के, अपनी प्रार्थनाएं लेकर के, अपनी योजनाएं लेकर के इस माँ की शरण में अवश्य आते होंगे, यह मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। किंतु आज हम उस विश्वास को जो हमारे दैनिक जीवनों में प्रकट करते हैं उसको घोषित करना चाहते हैं, उसको सब लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। हम सब लोगों को बताना चाहते हैं कि ये मेरी माँ है, इधर से यह मेरा भरोसा है,
यह मेरा विश्वास है, यह मेरी भक्ति है, यह मेरी मां है। एक जगह मैं जुलूस में गया था, जुलूस में चल रहा था तो एक छोटा सा बालक जो मेरे साथ साथ चल रहा था वो बीच में बोले उसकी माँ को कि आज आइन तोकी है। उस बालक को मतलब इतनी भक्ति आई, मतलब आज आइन तोकी है, मतलब क्या बात है, आज आइन तोकवे नो दन है, मतलब खांडे तो खांदे तो की ने, माथे तो के ने, जलसा मां गीत गावता जाइन, फूला चढ़ावता जाइन, ते आज आपड़ी आइन फातिमा की महारानी तोकवे नो दन है। तम तोकवा मांगो कि नहीं? हो करे मांगे हूँ मांगो तोकवानी आज तोकवानी किसने मेरे प्यारे भाई हो गए आज आपड़ी नी आई न तोकवानो धन है। अगला एक हाथे मड़ी एक हाथे मड़ी समझ में आएगी। फातिमा का रानी, फातिमा की महारानी का त्योहार है, इसलिए मैं वो उसका एक पुराना गीत आप लोगों को गा के सुनाना चाहता हूं कि वो भक्ति जो वहां से शुरू हुई। प्रणाम फातिमा की महारानी को, प्रणाम फातिमा की स्वामिनी को, युग युग में चमके तेरा नाम, घर घर में गूंजे तेरा नाम, हम दिल से गाते तेरा मीठा नाम। प्रणाम हे माँ प्रणाम, प्रणाम फातिमा की महारानी को, प्रणाम फातिमा की स्वामिनी को। हम थोड़ी देर मौन रहें और उस फातिमा की महारानी को प्रणाम करें, हम पूरी भक्ति के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में। हम जिस भक्ति के साथ में आए हैं उस भक्ति को बनाए रखें हम उसको, क्योंकि वही हमारी शरण है, वही हमारा भरोसा है, वही हमारा आसरा है। हम उसके आंचल में बने रहें। और यह पुण्य समय है, पवित्र समय है, जब हम यहाँ पर इस प्रकार ऐसा भक्तों का ऐसा सैलाब हमको देखने को मिलता है। आइए हम और माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा ईश्वर से माफ़ी भी मांगे हमारे गलतियों के लिए, पापों के लिए, ताकि हम बड़ी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ इस बलि में भाग ले सकें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा गान के लिए सभी खड़े हो जाएं। हम पवित्र कुमारी मरियम की महिमा मय त्योहार में तेरा आदर कर रहे हैं, ऐसी कृपा कर कि उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी तेरी कृपा की पूर्णता के सहभागी बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
हम सभी एक कदम आगे बढ़कर बैठ जाएं, जहां पर जगह है वहां पर जगह भर दी जाए। ईश्वर आप दोनों का आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप प्रभु की वाणी की घोषणा योग्य रीति से कर सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसाइस का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 10 से 14 तक। प्रभु ने फिर आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो, क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाए। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र के द्वारा मिल गया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया था कि हम ख्रिस्त के द्वारा बुलाए जाए और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यौहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही कर देना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे ही जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, छोटा सा इतिहास, ईशगढ़ का इतिहास। दूसरे लोग भी सुन सकते हैं, जरूरी पर ईशगढ़ वालों को तो मालूम होना ही चाहिए। समझ के ये इतिहास क्या है, थोड़ा सा इतिहास, उसके बाद में मैं दूसरी चीजों पर आऊंगा। फादर चार्ल्स जो प्रथम भील मिशनरी हैं, हमारे भील कलिसिया के पितामह संस्थापक हम उन्हें बोलते हैं, छानलाने में उन्होंने इस विश्वास, इस ख्रिस्तीय विश्वास की नींव डाली। और उसके बाद उन्होंने इस विश्वास का, जो उन्होंने विश्वास का बीज जो थानला में उन्होंने बोया था, उस विश्वास को उन्होंने फैलाना चाहा। इस विश्वास की उन्होंने घोषणा करनी चाही। तो उन्होंने जो पहले ख्रिस्तीय थे उनका विवाह हुआ, तो उन शादीशुदा या उन पहले ख्रिस्तीय जोड़ों को उन्होंने अलग अलग गांव में स्थापित करना चाहा। अलग अलग गांव में इसलिए स्थापित करना चाहा ताकि वो अलग अलग गांव में रह करके ख्रिस्तीय विश्वास का ज्वलंत उदाहरण वहां पर दें। ख्रिस्तीय विश्वास को अलग अलग गांव में ख्रिस्तीय विश्वास का दीपक जलाएं। पर हुआ उसके विपरीत। जितने लोगों को गांव में बसाया था, जब उनके फादर मिलने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इस विश्वास को, ज्यादा नहीं बोलना चाहते, उस विश्वास को
बनाए नहीं रख सकते हैं, तो एक प्रकार से कहें कि वो फादर चार्ल्स का जो प्रथम प्रयास था या जो क्या बोलते मेथड था, क्या बोलते उसको मेथड तरीका था, वो जो ढंग था उसने जो अपनाया था वो एक प्रकार से फेल हो गया, वो एक प्रकार से फेल हो गया। ऐसा नहीं कि फादर चार्ल्स फेल हो गया, उसका वो तरीका फेल हो गया। अगर फादर चार्ल फेल हो जाता ना तो हम भी आज फेल हो जाते, समझ में आएगी ये, समझ लेना। उसका जो पहला प्रथम मेथड था, ढंग था, तरीका था, वह फेल हो, प्रणाली उसकी फेल हो गई, समझ में आएगी। उसने सोचा था कि इसके द्वारा कुछ फायदा होगा पर नहीं हुआ। इसलिए जब ईशगढ़ की स्थापना की गई तो उस वहां से उस फेल होने की शिक्षा को ग्रहण करके उन्होंने यहां पर ईशगढ़ में सभी लोगों को साथ में रखा, समझ में। जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं, सभी लोगों को एक साथ में, एक ईशगढ़ एक कॉलोनी के रूप में उन्होंने बना के रखना चाहा, समझ में। मैं सोचता हूं इसमें कोई दो बात नहीं है, ये इतिहास है, समझ। और हम जानते हैं कि सबसे पहले जो ईशगढ़ जी कॉलोनी थी वो वहीं पे थी, है कि नहीं, है कि नहीं? वो पीछे बैठा है लो उधर, है अभी है क्या? अभी तो मुझे नहीं दिखाई देती है, पर प्रयास था उसका, समझ में आया, प्रयास था उसका। और इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? ईशगढ़, समझ में आया। वो किसका गढ़ रहेगा? ईश्वर का गढ़ रहेगा, समझ में आएगा। ईश्वर यहां पर उपस्थित रहेगा और सब लोग आ करके उस ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, उस ज्योति को जानेंगे, पहचानेंगे। और उस ईशगढ़ को उन्होंने फातिमा राणा की रानी की छत्र छाया में रखा, समझ। ये आप लोगों का इतिहास है, ईशगढ़ वालों का इतिहास। इस इतिहास को बनाए रखना, क्योंकि इस ईशगढ़ को एक आदर्श ख्रिस्तीय पल्ली के रूप में उन्होंने स्थापना करनी चाहिए, मतलब पहले फादर होने उस समय के जो मिशनरी थे उनकी यह इच्छा थी कि ईशगढ़ एक आदर्श पल्ली बने। आप लोग टीवी देखते होंगे, आप लोग सोचते कि मैं देखता कि नहीं, कभी कभी देखता हूं, पर उससे मुझे बहुत फायदा भी होता है, समझ में। ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखो जिससे कुछ फायदा हो। आप लोगों को मालूम है कि इंडियन आइडल एक प्रोग्राम चलता है शनिवार को, रविवार को, कितने लोग देखते हैं उसको? कोई लोग हैं देखने वाले इंडियन आइडल को? कोई नहीं देख रहा, अच्छी बात है। हाँ आप देखते हैं? हाँ एक एक ही कम से कम देखने वाली है, पर उसकी बात नहीं आती। इंडियन आइडल में क्या होता है, अभी एक नया कार्यक्रम हम कह सकते हैं, उसमें क्या होता है, जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो अच्छी संगीत की तैयारी करके उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आते हैं, पूरे देश के लोग बहुत 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 और बहुत लगाऊं क्या, और बहुत तैयारी करके आते हैं, ऐसे तैयारी करके आते हैं पूछो मत, भयंकर तैयारी। और कोई बड़े लोग नहीं है, मतलब कोई ऑटो चलाने वाले, कोई किसी का पिताजी फैक्ट्री में काम करने, उनके छोटे छोटे बच्चे इतनी भयंकर तैयारी करके आते हैं, और जो पुराने पुराने जो गीत हैं उनको गाते हैं। आप लोगों को अगर आप लोग उनको सुनेंगे तो आप लोगों के सामने उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये छोटे बच्चे कहां पहुंच के गाते हैं, उनकी पहुंच कितनी है। सुन तो एक बच्चे जो गा रहा था उसको बोला कि तुम्हारा ये जो गाना है उसका श्रेय, मतलब कि आपने इतना अच्छा गाया कि उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? तो उसने कहा मैं मेरी मम्मी को देना चाहता हूं।
मम्मी को बुलाया गया मंच पर, मम्मी को बुलाया गया मंच पर, उसको पूछा गया तो उसने, मम्मी ने कहा, देखो मम्मी ने क्या कहा वो बहुत बड़ी बात है, मम्मी ने ये कहा, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, समझ में, और मां की दुआ, दूसरा वाला और भी भयंकर है, समझे, मां की दुआ कभी भगवान से टाली नहीं जाती है, समझ में, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, मां की दुआ भगवान से कभी टाली नहीं जाती है। कौन सी मां है वो? सांसारिक मां है, समझ में, सांसारिक मां है। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को पूछूं कि मां की दुआ क्यों टाली नहीं जाती है, कौन बता सकता है क्यों? कोई है? कोई मां है? कोई बाप है? नहीं बता सकते? क्योंकि मां की भावना में इतनी सच्चाई है, समझ में। जब मां अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है तो उसमें इतनी सच्चाई है, उसमें इतनी भक्ति है, समझ में, उसमें इतनी भक्ति। सांसारिक मां की बात कर रहा हूं, समझ, अभी भी फातिमा की महारानी पर गया नहीं हूं मैं, अभी इधर ही हूं, नीचे ही हूं, समझ में आएगी। क्या बात है, समझ में आएगी। मैं अभी अपनी माताओं को अगर पूछूं, यानी उसके बाद में घटना सुनाने के बाद में पूछता हूं कि मां की प्रार्थना में इतनी सच्चाई है, इतनी भक्ति है, इसलिए भगवान भी उसकी प्रार्थना को टाल नहीं सकते। एक छोटी सी घटना है, बहुत प्यारी, छोटी सी है पर बहुत प्यारी घटना है। अंग्रेजी में एक गीत है, आई हर्ड माई मदर प्रेइंग टू गॉड एंड इन दैट प्रेयर She is taking my name. वो कहता है, वो लड़की सो रही थी पलंग पे, उसकी मां घुटने टेक करके पलंग के पास प्रार्थना कर रही थी, और वह कहती है कि मैंने मेरी मां को घुटने टेक कर मेरा नाम लेते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते सुना, मैंने मेरी मां को मेरा नाम ले करके प्रार्थना करते सुना। उस लड़की का जीवन ही बदल गया कि मेरी मां, मैं सो रही हूं, मेरी मां घुटने टेक करके मेरे पलंग के पास मेरे लिए प्रार्थना कर रही, मेरा नाम ले करके मेरे लिए प्रार्थना कर रही है इतनी भक्ति के साथ में, तो उसका जीवन ही बदल गया, समझ में। अभी मैं पूछता हूं माताओं को, कितनी अपनी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों को, अपने बच्चों का नाम ले ले करके प्रार्थना करती हैं या मां की चरण में जाते हैं। कोई करता है क्या? टीवी देखने के लिए तो एक ने हाथ उठाया था, पर अभी अभी आज नोवा सही में हाँ करते हैं, बहुत बड़ी बात है, तालियां बजाओ सब। ये होना चाहिए, समझ, ये होना चाहिए क्रिस्ट में, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये होना चाहिए, समझ में आएगा। क्योंकि मां, अगर मैं कहूं तो मां ही वास्तव में परिवार का आधार है, समझ, परिवार की भक्ति है, परिवार का विश्वास है। जो विश्वास हमें मिला है वह, एक दूसरी बात में भी आप लोगों को आज बताना चाहता हूं, विशेष रूप से उस बात को आप पकड़ के रखना, समझ में। जो विश्वास हमको मिला है वह, अभी आप लोगों को पूछूं, आप बोलेंगे कि आप बार बार प्रश्न ही पूछते रहते भाई, प्रश्न ही पूछते रहते। प्रश्न इसलिए पूछना चाहता हूं
कि हम जुड़े रहें समझ में आए, कि दोनों आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहो समझ में आए। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों का जो विश्वास है वो आप लोगों को कहां से मिला? कहां से? माता पिता से मिला, हाँ, और पूर्वजों से मिला, और किससे मिला? पवित्र बाइबल से मिला, हाँ? मेरे से तो नहीं मिला किसी को। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग जो जिन जिन लोगों ने बोला है वो सही बात है, पर इस बात को आप ध्यान से सुनना और पकड़े लेना। हमारा जो विश्वास है वह कहां से है? मेरी अंगुली किधर जा रही है? हाँ, वो पीछे नहीं, ऊपर से, समझ में आएगी। हमारा विश्वास ईश्वर की कृपा है। भले वो विश्वास हमें अलग अलग माध्यम से मिला होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, हमारा जो विश्वास है वो किसकी कृपा है? ईश्वर की कृपा है। हमारा मन परिवर्तन, हमारा विश्वास परिवर्तन और हमारा विश्वास ईश्वर में कोई नहीं ला सकता है। समय सिर्फ वही लाएगा जो ईश्वर है, समझ में आएगा। इसलिए हमारा रिश्ता एकदम सीधा उससे जुड़ना चाहिए, समय किससे? ईश्वर से, उससे जुड़ना चाहिए। ओ मारा मालिक, मारा भगवान, समझ में आएगी। ये हमारा विश्वास की छोटी सी घोषणा है, समझ में। हमारे विश्वास की छोटी सी घोषणा है, ओ मारा मालिक, मारा भगवान। इसी विश्वास को बनाए रखना चाहिए, इसी विश्वास के लिए हमें खड़े रहना चाहिए। अभी मैं आता हूं मां के ऊपर, मां के ऊपर मैं अभी आता हूं। एक बार मैं ये इस चीज ये घटना मैं इसलिए नहीं सुनाना चाह रहा हूं कि कुछ आप लोगों में कुछ वो है, मतलब एक बार मैं जब उदयपुर में था तो यहां पर हिंदू धर्म के बड़े महंत होते हैं, महंत जिसको बोलते हैं वो करीब करीब बिशप के समान होते हैं, समझ। उसकी पदवी ऐसी होती है बिशप के समान, समझ में आएगी। मेरा उससे अच्छा संबंध था, बहुत अच्छा रिश्ता था, मैं बार बार उनके यहाँ जाया करता था। तो उन्होंने मेरे को एक बार, उस समय तो मैं पुरोहित था, मैं उसमें बिशप नहीं बना था, पुरोहित था। उस समय उस महंत ने मुझसे पूछा, स्वामी जी आपके विश्वास में, आपके धर्म हो सकता है तो आपके धर्म में और दूसरे जो अन्य अपने क्रिश्चियन विश्वासी हैं, प्रोटेस्टेंट है, वो है उनमें क्या अंतर है दूसरे क्रिश्चियन विश्वासियों में और आप लोग में, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो उन्होंने मुझसे, तो मैंने उनसे कहा, एक ही बात शुरू की मैंने, कि मैंने कहा कि ये दूसरे जो विश्वासी हैं, क्रिश्चियन विश्वासी हैं, वे बहुत सारी ऐसी बातें जिनमें विश्वास नहीं करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि वो माँ मरियम की भक्ति में भी विश्वास नहीं करते, माँ मरियम में भी विश्वास नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, देखो एक दूसरे आदमी के क्या विश्वास, देखो उनका। उन्होंने मुझसे कहा कि जो लोग मां मरियम की भक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं यह उनकी मूर्खता है, पर यह मूर्खता क्यों है? क्योंकि वे ईश्वर की शक्ति पर संदेह करते हैं, समझ में।
ईश्वर की शक्ति पर संदेह करते हैं, शंका करते हैं। जिस ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, असंभव को संभव बनाया है, वो मुझसे कहते हैं वो क्या नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता। पकड़ में आया, पकड़ में आया? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मेरी बात समझ में आई? आई हाँ। तो ये वेला थामला है ना, इन्हें हाविन बेहो, समझ में आएगी नहीं? कहीं ऐसे नहीं हो कि ये थामला हलवा लगे था, समझ में आएगी नहीं? ईश्वर की शक्तिमता पर संदेह करना मूर्खों का काम है, समझ में। अरे हम तो उनके जीव है, समझ में। उसने हमको बनाया है, समझ में आएगी। तुमको क्या अधिकार है, तुम कौन हो, तुम में इतना घमंड कैसे आ गया कि तुम उस पर संदेह करने निकले, समझ, शंका करने निकले। ईश्वर की शक्तिमता पर, इसकी सर्वशक्ति मान पर संदेह करना मूर्खता है, मूर्खता है। और अभी आज का छोटा सा पाठ, दूसरे पाठ पर नहीं जाऊंगा, शायद काफी समय हो गया। दूसरे पाठ में भी, पहले पाठ में भी काफी अच्छी बात है, पर मैं इधर आखिरी का, क्योंकि वो जो हमने आज सुना काना में, कलीलिया के काना में एक विवाह था, तो प्रबंधक ने दूल्हे के पास जाकर उनसे पूछा कि सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। ऐसा करते हो क्या आप लोग? हाँ करते हैं, फादर बोल रहा करते हैं, बोल रहा करते पानी दड़ी दड़ी वधार है, पहले मालूम नहीं पड़े जना पहलको पी ले दो असल तेना मालूम नहीं पड़े कि होता है उसे। करते हो क्या? इधर है ना खास तो खास तो इधर है, ये पीछे बैठने वाले ये सब। देखो आज के पाठ में एक बहुत बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ी शिक्षा है। जब अंगूरी समाप्त हो गई तब क्या हुआ? अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। माँ ने क्या कहा अपने पुत्र को? उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। प्रभु ने कहा, भद्रे मुझसे, इससे मुझको और आपको क्या है? हम तो मेहमान हैं, समझ, हम तो अतिथि हैं, हम बुलाए गए हैं। पर उनकी माता ने उनको क्या कहा? वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही कर देना। माता मरिया ने क्या कहा कि मेरा बेटा जो कुछ कहे वही कर देना। शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा यह मिलती है कि मां मरियम को मालूम था कि सही व्यक्ति कौन है। सही व्यक्ति कौन है, किसके पास जाना है आपको, समझ में आया कि नहीं? दुख तकलीफ में, संकट में, परेशानी में किसके पास जाना है, समझ में? मेरे बेटे के पास, वही वही सच्चा व्यक्ति। मां ने और कुछ नहीं कहा, जो ये कहे, और वो कहीं किसी दूसरों के पास भी नहीं गई, कोई तड़वी के पास में नहीं गई, कोई प्रबंधक के पास में नहीं गई, कोई दूसरे लोगों के पास में भी नहीं गई, वह सीधा अपने बेटे के पास गई। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
ये एक दूसरी शिक्षा है आप लोगों को पकड़ के रहने के लिए। मुझे कहां जाना है, कहां जाना है, मां के पास। वही वो मां तुमको कि बेटे के पास ले जाएगी। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, जो विश्वास हमें मिला है उसी विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु ने हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं दी है, बहुत सारी कृपाएं मन्नतें जो भी दी, आज हम उनके लिए विशेष रूप से धन्यवाद दें। और साथ ही साथ में देखो, मैंने कहा था कि थामला हली रहा है, थामला नहीं हल्या पर इधर माइक को हिला दिया। तो दो सिर्फ दो बातें याद रखना, एक तो मां की बात कभी टाली नहीं जाती है, भगवान भी नहीं टालता है। मां की मन्नत, मां की प्रार्थनाएं, मां की भक्ति कभी खाली नहीं जाती है, क्योंकि भगवान उनकी प्रार्थना को कभी टाल भी नहीं सकता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता, जो विश्वास हमें मिला है वह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की मेहरबानी, ईश्वर का वरदान है, ईश्वर की आशीष है। और तीसरी बात है कि हमें कहाँ जाना है। माँ ने क्या बोला, मेरे बेटे के पास, मेरे बेटे के पास। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है समझ में आएगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है समझ में आएगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा समझ में। हम थोड़ी देर मौन रहें, आंखें बंद करके जो शिक्षा हमें मिली है उसके लिए, और जो पाठ हमने सुने हैं, जिस भक्ति के साथ में हम आए हैं, जिस विश्वास को लेकर के हम आए हैं, उस विश्वास के लिए और उस विश्वास के द्वारा पाए हुए सभी आशीषों और कृपाओं के लिए हम माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद दें। और साथ ही साथ में यह प्रार्थना करें कि ये माँ मरियम, जो विश्वास तूने हमें दिया है, जो विश्वास की कृपा तूने हमें दी है, उसी विश्वास में हमें दृढ़ बनाए रखना अच्छी तरह से, ताकि हमारा पारिवारिक जीवन, हमारी पल्ली का जीवन, हमारे डायसिस का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, और आपकी उपस्थिति हमारे मध्य बनी रहे। इन चीज़ों के लिए हम थोड़ी देर मौन रह करके प्रार्थना करें माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा। हम खड़े हो जाएंगे विश्वास की घोषणा के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकमात्र पुत्र अपने प्रभु यीशु क्राइस्ट में विश्वास करते हैं,
जो आत्मा के द्वारा घर में आया, हमारी मदद से देखना, उसके समय तक होगा। कृष्ण चाहा गया, अधलोक में उतरा और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माँ मरियम ने यह कहा था कि सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी क्योंकि ईश्वर ने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। माँ की यह भविष्यवाणी यहाँ चरितार्थ होती है, मूर्त रूप में हमारे सामने रखी गई है कि हम माँ को धन्य माने और माँ की मध्यस्थता के द्वारा हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी याचनाएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा पिता ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुने। आइए हम हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं इस वेदी पर बड़ी भक्ति के साथ रखें। हम सब मिलकर के हमारे देश के लिए प्रार्थना करें कि हमारे देश में शांति, भाईचारा, प्रेम बना रहे, सब लोग हमारे संविधान में विश्वास रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना। हम हमारे नेताओं की प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे ताकि वे हमारे देश का संचालन संविधान के अनुसार करते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि जैसे कि मैंने कहा कि ईश्वर की आशीष हमारे सभी परिवारों पर बना रहे, हम सभी एक विश्वास, एक भरोसे और एक प्रेम में बने रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने विश्वव्यापी कलीसिया के लिए, संत पापा के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें ऐसा स्वास्थ्य दे जिससे ये संसार के कोने कोने में सत्य की घोषणा करते रहे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के सभी धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके जो चुनौतियां सामने हैं उन्हें भली भांति समझे और अपने विश्वास के द्वारा सभी विश्वासियों को एकजुट बनाए रखें। ऐसी कृपा ईश्वर उन्हें दे। प्रत्येक धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें जो स्वार्थपूर्ण बातें लेकर के झगड़ते रहते हैं और सारे देश में कई तरह का नुकसान होता है। हम उनके लिए प्रार्थना करें वे अच्छी तरह समझ सकें इस राजनीति को और अच्छी तरह से प्रत्येक की भावनाओं को समझें और हर एक के लिए त्याग करना सीखें। ऐसी कृपा ईश्वर उन्हें दे। कई भाई बहन विभिन्न मनोरथों को लेकर आए हैं, बड़ी आह लेकर के, और हम जानते हैं जो भी इस आह में आए हैं माँ कभी खाली हाथ नहीं जाने देती है और माँ की मध्यस्थता कभी अनसुनी नहीं की जा सकती है। हमारा विश्वास है आप सबों को ईश्वर आशीष देगा और इस जो साक्ष्य आप दे रहे हैं वो अपने अपने स्थान में रोज दिन प्रार्थनामय जीवन द्वारा साक्ष्य दे सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें, अपने व्यक्तिगत निवेदनों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो ख्रिस्तीय बुलावा तूने हमें दिया है, जो ख्रिस्तीय विश्वास तूने हमें दिया है, उस विश्वास की कृपा के लिए, उस विश्वास के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ में जिस माँ को तूने, अपनी माँ को तूने हमारी माँ भी दिया है, उस बड़ी आशीष के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं
और उस माँ की मध्यस्थता के द्वारा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम उस माँ की छत्रछाया में, उस माँ के आंचल में सदा बने रहें। हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। नव 590 मिसाएं चढ़ावी जा रही है। मनतनी मिसाई 22 मिसाएं हैं, टोटल संख्या है 612 मिसाएं। आप सभी भाई बहनाने जो भी मनोरथ है आपकी, धन्यवाद है आपका, आपके आत्म शांति के लिए जो मिसाएं हैं उन सभी को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। ईश्वर आपकी प्रार्थना अर्जियों को स्वीकार करें और आप सबों को अनुग्रहित करें। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी यह भेंट और हमारे निवेदनों को स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा और हमारे तथा अपने समस्त हे प्रभु, हम शांति तथा स्तुति का यह दान तुझे अर्पित कर रहे हैं। धन्य कुमारी मरियम के आदर्शों पर चलकर
हम स्वयं को सुग्राह्य तथा पवित्र बलि के रूप में अर्पित कर सकें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है किम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। और नित्य धन्य कुमारी मरियम के इस त्योहार में तेरी स्तुति और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु येसु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र पाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। Pavan, 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 Pavan
हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, ये उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। धन्य हो ईश्वर अनंत काल तक। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तो धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। धन्य हो ईश्वर अनंत काल तक। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रद भोग प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपने कलिसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम उनके वर धन्य जो सब तेरे धन्य प्रेरितों प्रताप शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु तुझसे निवेदन है हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस हमारे बीच उपस्थित हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद गणावा सभी धर्माध्यक्षों सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिद्ध आ चुके हैं हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से
अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानायुग तेरा ही है। आमेन आमेन आमेन। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम बड़े विश्वास और भक्ति के साथ में हमारे प्रभु जी ने जो प्रार्थना हमें सिखाई है उसको हम एक साथ मिल करके गाएं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। Thank you.
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ तो मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यूनियन अग्रस्त सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि ईश्वर ने अपनी दीन दासी पर दया दृष्टि की है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम स्वर्गीय भोजन से पोषित हो गए हैं, हमारी याचना है कि कोमल माता से जन्मे तेरे पुत्र ख्रिस्त को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है, हम वचन तथा कर्म से घोषित कर सके, वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। विशेष आशीष प्राप्त करने के लिए अपना सिर झुकाए। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुमारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया,
वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुमारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए उन्हीं की संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे। आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ एकत्र हुए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की साक्षी देवें। ईश्वर को धन्यवाद। Yeah.